अरे किस्मत बदली जा सकती है, वक्त बदला जा सकता है। पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा। क्या करे भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है। सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है, पूरे घर को क्लीन कर देना है। 15 दिन में उपायों का असर होता है। हाय गाइस, आज मैं आपके साथ में कॉन्वेलेक्सा वाले गुरुजी और गुरु माँ लेके आया हूँ। हमने कम्युनिटी के अंदर डाला था कि हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इनसे जानेंगे कि क्या है उन क्वेश्चन के जवाब। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं और मेरे भी पर्सनल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले मैं माफी मांग रहा हूँ अगर कुछ ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो। नहीं। अगर आपको कुछ उल्टा सीधा लगेगा तो ऑडियंस के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच हमें लोगों से रूबरू करवाने के लिए। और ज़रूर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को आज के पॉडकास्ट से बहुत ही फायदे होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो है पैसे के रिगार्डिंग जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को और बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है या फिर वो पैसा नहीं कमा पा रहे अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही सबसे पहला जो मेरा वर्ड है, सबने अगर मनी 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 पैसा चाहिए तो कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए। कोई भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, अंदर बोल सकता है, बाहर बोल सकता है। कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए, देखेंगे आप थोड़े ही समय में आपको पैसे की प्रॉब्लम जाती रहेगी। और अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, अब जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका बिजनेस है, क्लाइंट्स हो गए, ग्राहक हो गए, नहीं आ रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, बहुत दुविधा में है भाई क्या करें, अब इतना सारा खर्चा निकालना है सारे बिजनेस का। अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ बोलिए प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। मैं कहता हूँ थोड़े ही दिनों में क्लाइंट्स आने लग जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी और काम धंधा इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे। कितनी बार बोलना है इसको? ये 51 वाली बोलिए, आप 51 बारी बोलिए और देखिए चमत्कार को। नमस्कार, थोड़े दिन आपने रेगुलर बोलना है। रेगुलर बोलने के बाद आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये फोक शायर्स होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग 4 साढ़े 4 साल पहले हम लोग जो है ना इटली गए थे। तो इटली में हमारे एक मेंटर थे, तो वहाँ पर जो है हमने सारी चीज़ें, वहाँ पर पूरा एक कल्चर है इनका, तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली। तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो ये लोग वहाँ पर ना जैसे कि दुकानों पर बैठे हुए ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए लोग प्रोसो प्यारे बोलते थे। जैसे कि हम लोग वहाँ पर कुछ क्रिस्टल खरीदे हमने और कुछ सामान खरीदा, तो हमारे जो है ना वहाँ पर भी हमारे क्लाइंट ही थे, तो क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्लाइंट से ऐसे बात चली, तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि, मैंने कहा ये जब हम आए तो ये चैंटिंग क्या करने लग गई, इटली की बात है ये। तो उन्होंने कहा, हमने कहा चैंटिंग क्या करने लग गई? वो कह रहे कि गुरुवार जब भी इनके पास क्लाइंट के लिए ना ये लोग प्रोसो प्यारे बोलते हैं। तो मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट करी, फिर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ें ये दे और उन्होंने फीडबैक दिए कि हाँ इससे फ़र्क पड़ रहा है, कॉन्वेलेक्सा से फ़र्क पड़ रहा है। और वो तो कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, वहाँ पर एक कल्चर है बोलने का। तो ये जो है अब यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्वेलेक्सा और प्रोसो प्यारे, ये तो चलिए मनी के लिए हो गया। बाकी अगर आप अपने हिंदू धर्म की तरफ जाए तो संजीव जी वो जो कच्चे सूत का जो इतना जबरदस्त करवाते हैं गुरुजी कहीं, मेरे मालिक, अवश्य ही कच्चा सूत। अगर जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त, आप भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, आप करिएगा फिर हमें बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूंगा, आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत क्या होता है? सूत, ठीक है ठीक है, वो लेना है। उससे आपने केसर से पीला कर लेना है, केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है। उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी, या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए या गले में रख दीजिए। मैं कहता हूँ इतना काम आएगा, इतना आपका बिजनेस चल जाएगा, आप मुझे याद करेंगे उसके बाद। ये तो चमत्कारिक रूप से असर करता है और एक उपाय रेमेडी के तो भरमार है हमारे पास। आपने क्या करना है, एक मिट्टी की कुज्जी लेनी है, मिट्टी की मटकी, ठीक है जी, मिट्टी की मटकी लेनी है जो लाल वाली जो होती है पक्के वाली, उसमें आपने दूध भरना है, छोटी सी ले लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में, इस वाली रेमेडी में। अब ये क्या है, हम चंद्रमा स्थापित कर रहे हैं आपके घर में। मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताता रहूंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि आपने मंगल और चंद्रमा को अपने घर में स्थापित कर लिया। मंगल वो मिट्टी की जो आपने पक्की हुई, कच्ची मिट्टी शुक्र है, लेकिन पकी हुई मिट्टी जब हो जाती है वो लाल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, मंगल। और उसमें आपने दूध रख दिया, वो हो गया चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा का जब मिलते हैं तो महा महा महालक्ष्मी योग बनता है। उसको जब आप अपने फ्रीजर में जमा देते हैं तो आपने मंगल और चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक रिजल्ट ले लिया, समझ रहे हैं। अपने घर में ही मंगल और चंद्रमा को स्थापित कर लिया और चमत्कार को नमस्कार होगा। कब तक रखना है इसको? ये पूरी जिंदगी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वो पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा, आनंद आपको आता चला जाएगा। करके देखिए, चमत्कार को नमस्कार कीजिए। अब आपने ये बात पूछी, अब आते हैं हम पत्रिका पे। ये होगी रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है। पत्रिका में हमारा 10th हाउस हमारा कर्म स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां घर शनिदेव, मेरे शनिदेव का होता है। तो शनिदेव का है तो 10वें घर को जब भी आप आबाद करेंगे अपने, वैसे ही आपका काम धंधा चलने लग जाएगा। क्या करें भाई, काम धंधा सेट नहीं होता, लड़के की जॉब लगती नहीं है, और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है, बिजनेस करते हैं लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, और नौकरी लगते छूट जाती है, लगती वैसे ही नहीं है, कम बगत मारी, बताइए कितनी दिक्कत है। तो क्या करें भाई, अब इसमें तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 अंधों को खाना खिला दीजिए, 10 अंधों को खाना खिला दीजिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, सारे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, नॉलेजेबल हो गए लोग, मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग। केतु नहीं, अब हमने इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि का रूप होते हैं। ओके जी मेरे मालिक, जो ये शनि का रूप है, ये ब्लाइंड पीपल शनि है, इनको दिशाहीन होते हैं, ये इन्हें दिखता नहीं है। शनि के पक्के मित्र, पक्का शनि होते हैं ये। आप जैसे इन्हें खाना खिलाएंगे आपको दिशा मिल जाएगी, आपका 10वां घर खिल जाएगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से है ना, होता है ना 10वां घर शनि का। तो देख लीजिए आप, शनि को प्रसन्न करते ही चमत्कार को नमस्कार आएगा। शनि की बात चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ। शनिदेव, किसी की साढ़साती चल रही हो, किसी की ढैया चल रही हो, शनि कहीं खराब बैठा हो, शनि सुख फल ना दे रहा हो, अरे भाई इतना प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ, इतनी प्यारी रेमेडी मेरे मालिक। क्या करना है, खड़ाऊ देखिए आपने, लकड़ी की खड़ाऊ जो लोग पैरों में चप्पलें पहनते हैं ना, सिर्फ आगे गोल गोल सा वो बना होता है, और चरण पादुकाएं वैसे खड़ाऊ बोलते हैं हम, जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बोला जाता है, उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है। आपका शनि खराब हो रहा है, शनि खराब घर में है, या शनि खराब है, या उसकी महादशा लग गई है शनिदेव की, साढ़साती चल रही है आपको, 7 साल साढ़साती, भाई तोबा तोबा, ढैया लग गई है 2.5 साल की। आपने क्या करना है, आपने खड़ो पहननी है। ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है शनिदेव का शुभ फल पाने के लिए। अब भैया आपको ब्लाइंड पीपल नहीं मिल रहे, आप नहीं खिला पा रहे 10 को, प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, कुछ भी है, एक खड़ो पहनना शुरू कर दीजिए, सस्ती ले आइए, सस्ती भी मिल जाती है, 50-100 रुपए की भी मिल जाती है, वो आधा घंटा रोज पहन लीजिए, कहीं ऑफिस में बैठे पहन के बैठ जाइए, आपका 10वां घर खिल गया जी। 10वां घर मतलब आपका करियर सेट, आपकी जॉब सेट, आपका सब सेट, आपकी साढ़साती ठीक, आपकी ढैया ठीक, आपका शनि कहीं खराब बैठा कहीं पे भी वो ठीक। पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। मैं, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका ने आज हमें मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का। इनके माध्यम से अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं घर बैठे ही रेमेडीज कर लेंगे, ये फॉक्शा स्विच वर्ड्स बोल लेंगे। मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में किसी और चीज़ की। क्यों पैसे खर्चते हैं? मत खर्चिए, ना लीजिए हमसे भी अपॉइंटमेंट, करके देखिए सारे उपाय, रेमेडीज, स्विच वर्ड्स करके देखिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार। सिंपल सा है, आप देखिए कितनी सिंपल है एस्ट्रोलॉजी। ऐसे नहीं है बताइए जी जी। अगर ये जो खड़ाऊ जो पहनने वाली जो ये जो उपाय है, इसको अगर हम सुबह सुबह कर पहन ले और घर में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहन के घर में ही घूम लीजिए, या ऑफिस से आने के बाद आप घर में पहन के घूमते रहिए। उससे जितना आप पहन के घूमेंगे उसको, क्योंकि बाहर तो आप पहन के जा नहीं सकते, तो घर में पहन के घूमते रहेंगे, उससे ही आपका शनि एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे कि किसी का केतु खराब हो, सपोज कीजिए केतु खराब है, तो केतु जब खराब होता है तो इंसान कैसा पता चलेगा कि आपका केतु खराब है? ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां शुरू हो जाए, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द होने लग जाए, उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए, और साथ ही साथ में क्या होगा कि केतु खराब होगा तो आपको जो है कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो आपका हर बात पे, और हर 3 साल के बाद आपके जो है कोई टांग पकड़ के कोई ग्रह आपको नीचे घेर देता है बार बार। 2 साल आपके बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, 2 साल बढ़िया गए, तीसरा साल खराब, तो समझ जाइए कि केतु की डिस्टर्बेंस है। तो आपने कुत्तों की सेवा तो करनी करनी है, साथ ही साथ में आपने क्या है पैदल चलना शुरू कर देना है। बहुत जितना पैदल चलेंगे उतना केतु बैलेंस हो जाएगा। और लोग होते हैं यहाँ से बाथरूम भी जाना होगा तो वो भी गाड़ी में जाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज है, तो केतु को बैलेंस करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए, आपका केतु बैलेंस हो जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।